और ये तीनों लोग जो है वो 50 से ऊपर है, मतलब 50% से ऊपर के बच्चे। सर एक है, एक को किया गया। अच्छा, किसने किया गया? ग्रेस मार। उसका तो नाम कब हो जाएगा सर? 2 मिनट में और एक ग्रैंड में। तीन टॉपर्स हमारे पास आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं मिड और ग्रैंड के, और कल उनके ऊपर जो है वो उनके नाम और इनामात पेश किए जाएंगे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द वॉलेट। आज नहीं कल हो गए, आज भी वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमने बहुत अनाउंस किया हुआ था तो थोड़ा सा नाम भी चल जाएगा। ठीक है, तो ख़त्म हो गया सिलेबस और बच्चे जो है वो कम हो गए। बच्चों में अभी भी थोड़ा थोड़ा सा जोश और खरोश है, शुरू में तो इतने ही होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 4 के पास्ट पेपर का सवाल देखिए आपने, चीफ एग्जीक्यूटिव के खास तरह के सवाल को आपने कितनी दफा रिपीट होते देखा? नहीं देखिए, देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, टाइम गुजारना है। ले जी जी, मैं ओल्ड से नए की तरफ आता हूं। समर 10 और सॉरी स्प्रिंग 10 क्वेश्चन 3E एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीजंस। मैंने कहा जो हम जुमला देने जा रहे हैं बताओ वो सही है या नहीं, कानूनी है अखबार से। द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी रिटायर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, द सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। दो ही बातें की और दोनों ही बेहुदा बताएंगे। तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का साल की मुद्दत नहीं होती, फर्स्ट AGM तक मुद्दत होती है, फिर वो रिटायर हो जाता है और सब्सिक्वेंट कौन अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं विद इन 40 डेज ऑफ उनका जो इलेक्शन हुआ होता है। तो यहाँ पे हमने पुरजोर मजम्मत की इनके जुमले की और असल वाला जुमला इनको बता दिया। सर चीफ एग्जीक्यूटिव के रिलेशन से दो भी चौदह ऐसे ये बात समझ आई। तो अगेन लॉ के अंदर ना कई दफा सवाल देखने में लॉजिकल हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली वो अक्सर अटने वाला होता है। एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग, लें जी अब मैं आगे ऑटम 10 के क्वेश्चन 4C में, एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। उसी तरह के एक टिपिकल सवाल, क्या है सवाल? अ चीफ एग्जीक्यूटिव अदर देन फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन AGM फॉर अ पीरियड ऑफ टू द नेक्स्ट AGM। जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है वो शेयर होल्डर्स मीटिंग में अपॉइंट करते हैं, वो अगली मीटिंग तक के लिए अपॉइंट होता है। तो जैसा कि भाई ने कहा ई रंग नंबर है, तब आप बताएंगे असल लॉ क्या है, इन्होंने क्या फालतू बात की है और इस जुमले की भी हमने पुरजोर मरम्मत कर दी। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विच रिस्ट्रिक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पब्लिक कंपनी फ्रॉम कैरिंग ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद द कंपनीज बिजनेस। उन्होंने कहा बताएं वो क्या लिखा हुआ है कंपनी लॉ में कंपीटिंग बिजनेस के बारे में। हम कहेंगे ये लिखा रट्टे वाला सवाल टाइप 1। उन्होंने कहा जी कंपनी लॉ के अंदर से बताओ कंपीटिंग बिजनेस वाली चीफ एग्जीक्यूटिव की क्या बात है। तो आप कहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज नहीं होगा, और अगर पहले से एंगेज हुआ वो तो बता देगा। इनडायरेक्टली के अंदर स्पाउस और वो बाकी सारे मामला भी आ जाते हैं। नहीं जी, फिर क्वेश्चन 1 है स्प्रिंग 12 का, मिस्टर जमीर इज फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर नॉट सैटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मिस्टर जमीर एंड एक्सप्लेन हाउ ही कैन बी रिमूव फ्रॉम बिफोर एक्सपायरी ऑफ द अबव टर्म। सबसे पहले तो आपने बताना है जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है इसका टेन्योर क्या है। तो आप कहेंगे इसका टेन्योर होता है फर्स्ट चीफ होता है। अब अगला सवाल है क्या हम निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, कैसे निकाल सकते हैं? 3, 4 स्पेशल रेजोल्यूशन या गवर्नमेंट। तो आपसे इन्होंने टेक्निकली टर्म ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी पूछा है और रिमूवल का प्रोसेस पूछा है, लेकिन चूंकि रियान और मिस्टर जमीर का जिक्र किया तो आपके जवाब में भी रियान और मिस्टर जमीर होना चाहिए कि रियान इंडस्ट्रीज वाले, ये रियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले चीफ एग्जीक्यूटिव को अगर निकालना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पज मिस्टर जमीर को अगर वो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उनको इन तीन में से कोई काम करना। फिर क्वेश्चन 1A पार्ट 2 स्प्रिंग 15 में, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग चीफ एग्जीक्यूटिव। 3 नंबर की डेफिनेशन को पढ़गा पढ़ को देंगे अल्लाह का। तब्दीली प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली बीन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड द डायरेक्टर्स इंटेंड टू अपॉइंट अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी।
ये कंपनी कन्वर्ट हुई है पब्लिक लिस्टेड कंपनी में और डायरेक्टर एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना चाहते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो स्टेट द रिस्ट्रिक्शन इफ एनी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव ये अपॉइंट करना चाह रहे हैं, कैसे अपॉइंट होगा और बताएं रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, अपॉइंट कैसे होगा 14 दिनों में, जो भी इलेक्शन होगा उसके 14 दिनों में चीफ एग्जीक्यूटिव। ये पहला चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, कंपनी तो चल रही थी पहले से, कन्वर्ट हुई है, तो हम कहेंगे इस दफा जब इलेक्शन होगा उसके 14 दिन में चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर लेंगे। रिस्ट्रिक्शन क्या है, कौन अपॉइंट नहीं होगा, जो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते वो चीफ। क्या ये लिस्टेड कंपनी है, has been converted into a public listed company, जब listed कह दिया तो वो एडिशनल वाले पॉइंट भी। नंबर सवाल के सुन के दुख होगा चार, अब चार नंबर देख के दिल करता है बंदा, दो तीन एलिजिबिलिटीज लिख दे सारी ना लिखे, लेकिन कम और ज्यादा लिखने में अगर डाउट हो रहा है तो ज्यादा लिख के शर्म महसूस कर रहे कि खुदा ना खाता कोई पता नहीं, वो ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे तो इनका कोई पता नहीं लगता। एक ही तरह का सवाल एक टाइम पे पुराने जमाने में पावर ऑफ डायरेक्टर्स 8 नंबर के लिए भी पूछा था, 10 नंबर के लिए पूछा था। एक लिस्ट होती है चैप्टर 7 में मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की, वो भी अलग अलग नंबर के लिए पूछी हुई है, तो उनका कोई नहीं पता लगता किस मूड में बैठे हैं। हमें ज्यादा आता हो तो ज्यादा लिख देने में शर्म महसूस नहीं करते। फ्राया लिमिटेड एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन लाहौर। FL is planning to appoint Gul Meher as the chief executive officer of the company. During an interview with Gul Meher, he disclosed to the board that his wife Mona is running a corporate brokerage house in Lahore and that his son Sultan, who is a business graduate, is engaged in the business of selling plastic bottles in Multan. Gul Meher also disclosed on the board that he sometimes provides technical assistance to Sultan without any charge. Under the provision of Companies Act, बताएं कि क्या ये appoint हो सकता है या नहीं। इस बंदे के दो मसले, एक मसला ये कि इसका बच्चा जो कि ग्रेजुएट है, एक खास वजह से उसकी तालीम बताई है, क्यों पता लग गया कि वो माइनर नहीं है, मतलब वो 14 जमातें पास है, वो ग्रेजुएट है, वो एक कंपेटिटिव बिजनेस कर रहा है, और इसके अलावा जो वो है वाइफ है वो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में मेंबर है। अब कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस से ताल्लुक आपका होना नहीं चाहिए अगर आप डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, कौन सी कंपनी में, लिस्टेड कौन सी कंपनी में, तो आप कहेंगे कि जी इस वक्त हमें इस चीज से भी कोई एतराज नहीं है कि कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनी के लिए है। दूसरा, चूंकि बच्चा भी माइनर नहीं है मेजर है, तो वहां भी मसला नहीं। हाँ, कभी कभी अगर उसको ये मशवरे दे देता है तो इससे कोई बहुत ज्यादा हमें परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन अगर बच्चा अपना बिजनेस खुद कर तो ऑब्वियसली वो अब्बा जी को उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, और कानून की नजर में फिर वो अब्बा जी का बिजनेस नहीं है, वो उस बच्चे का बिजनेस है। सर ये इसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि मैं उन्होंने वो, हाँ मतलब ये तो इसने बताया है, सवाल ये कह रहा है कि इसने बताया है कि मैं कभी कभी उन्हें मशवरा देता हूँ, तो इसने बताने की कोशिश कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉ की नजर में इसकी अपॉइंटमेंट खतरे में नहीं पड़ रही। ना भी बताए तो भी चल जाता काम, क्योंकि ये टेक्निकली लॉ की नजर में कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर रहा। कंपीटिंग बिजनेस करता खुद करता है, स्पाउस करती या माइनर चाइल्ड करता। Board of Directors of Hassan Textiles Limited is not satisfied with the performance of Chief Executive and wants to remove him from his office before the expiry of his term. Briefly explain the options available to HTL for removal of CEO under the board situation. आपने नोट किया कि सबसे ज्यादा उन्हें एक ही बात पसंद है, निकालना। On 31st December 2020, Ali was appointed as Chief Executive of Pearl Limited, a listed company. In March 2021, he informed the board that on 15 February 2021, his spouse was appointed as a director in a brokerage house. कौन सी कंपनी है जी? Listed company. और उसकी spouse 15 February 2021 को आ गई थी brokerage house में। March 21 को उसने बताया है, 31 December को वो appoint हुआ था। Under provision of company, they evaluate the impact of the appointment of Ali's spouse on his position and on PL. अली के स्पाउस वहां पे जाने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में अगर एक डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव का स्पाउस कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस वगैरह में चला जाता है, वहां पे डायरेक्टर है या उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब कंपनी पे क्या असर पड़ा, कंपनी में असर ये पड़ा कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, अब कंपनी को ये कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, और उसके अलावा अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई मामला हुआ है तो उसका एक अलग चक्कर है, वो भी डिपेंड करता है सवाल के। अगर नंबर 8-10 होते तो फिर हम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं क्या क्या बातें कर देते, नंबर गरीब की चाह रही है। सर अगर ये कोर्ट में सेपरेशन के केस हो, जी बिल्कुल,
केस अगर हुआ है लेकिन कानून की नजर में अगर अभी भी लीगली वो स्पाउस है तो फिर लॉ का खतरा है। अगर स्पाउस नहीं है, डाइवोर्स्ड है, कंफर्म डाइवोर्स्ड है, कानून की नजर में सेपरेटेड है, मतलब नॉट ड्यू टू बी सेपरेटेड भाई, वरना तो हम ये बात भी कर सकते हैं कि माइनर बच्चे की अगर झगड़ा हो अब्बास से तो वो तो फिर ख्याली बातें है ना, वो जब साबित हो जाएगा तो फिर एक अलग चक्कर है। तो स्पाउस कानून की नजर में एक खतरनाक चीज है। उन्होंने बताया कि स्पाउस का बिजनेस और बंदे का बिजनेस एक ही होता है, बाकी गल्ले में नहीं है। डन। तो हमने 100% पास पेपर इसके देखा जी। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें उन्होंने कहा है जो 1 ईयर का फर्स्ट जो हां वो गलत बात लिखी है, अगर सबसीक्वेंट होता फिर तो 1 ईयर होना नहीं सर, सर मैक्सिमम 3 ईयर उन्होंने बताया मिनिमम। हां नहीं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब हम कहेंगे कि ये जुमला सही है, शेयर होल्डर्स ने एक साल के लिए अपॉइंट किया, हम कहेंगे शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करेंगे, डायरेक्टर्स करेंगे और ये 3 साल तक की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो ये बताना जरूरी है। वरना अगर आप कहते हैं ना हाँ जुमला सही है ये सोच के कि इतने तो वो भी बड़े होने भी पता होगा कि 1 साल 3 साल के अंदर ही आता है, तो इस तरह से नहीं करना, उनको बड़ा क्लियरली बताना है कानून ये है, तो यहाँ पे ये बात हमें सही नहीं लगती। तो साल की अपॉइंटमेंट हो सकती है, नो डाउट हो सकती है, लेकिन रूल ये है कि 3 साल तक हो सकती है। और उन्होंने कहा था कि आपने जो एतराज है वो करने हैं, तो आपने एतराज कर दिया कि मेरा एतराज ये है इन द लाइट ऑफ फलाना का। डन। करें जी चैप्टर 1 शुरू। ये किताब किसकी थी? चैप्टर 1। प्यारे बच्चों आज हम कंपनी के बारे में, क्लास में एक या दो शायद ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं पता, अदरवाइज मोस्ट प्रॉब्ली आप सब लोगों को कंपनी का पता होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि अब कंपनी लॉ में आके मुझे कंपनी नहीं समझानी पड़ेगी। पहले ये पता था कि हम बिजनेस लॉ में दोनों सब्जेक्ट कंबाइन पढ़ाते थे और बिजनेस लॉ में भी जो दूसरा वकीलों वाला लगा वो तो बच्चों को कलाबाजियां लगवा देता है, तो फिर हम कंपनी लॉ से शुरू करते थे। कंपनी लॉ के लेक्चर का पहला ही लेक्चर होता था कंपनी किसे कहते हैं, और वो बेचारा बच्चा अभी भी एफसी से आया होता था। तो अब आप लोग उस तरह वाले बच्चे नहीं है जो अभी अभी एएफसी से आए हो, और आपका ना ये सेशन का पहला दिन है, तो अगर आप एएफसी से आए भी थे तो भी आपको एएफसी से आके पढ़ते हुए 3-1 महीने तो हो गए, तो इन 3 महीने में कहीं ना कहीं आपका लव कंपनी तो सुन ही लिया है, कोई पता नहीं मेरे से सुन लिया हो। तो खैर कंपनी किसे क्या है, कंपनी एक ऑफिशियल पर्सन, एक जैसे एक पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप में तो चंद लोगों ने मिलजुल के आपस में बस जो है वो इनफॉर्मली आपस में मामला किया और बिजनेस करना शुरू कर दिया। कंपनी एक ऑफिशियल बिजनेस है। अगर बहुत सारे लोग मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस जो वो मिलके करना चाहते हैं वो कंपनी कहलाता है। इसमें क्या होगा, इसमें पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए आपको दो में से एक चीज चाहिए, या स्किल्स चाहिए या पैसा चाहिए, बट कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी में पार्टनर या हिस्सेदार बनने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पैसा। बड़ा कमर्शियल सा एग्रीमेंट है, वो ये नहीं देखते कौन स्किल वाला है कौन स्किल वाला नहीं है, वो कहते हैं ठीक है जी हमें कंपनी बना रहे हैं, आओ कंपनी में कौन कौन मेंबर बनना चाहता है, तो फर्स्ट करें 12-13 लोग हैं वो मिलकर कंपनी शुरू करना चाहते हैं और कंपनी शुरू होने लगी है 10 लाख से, तो 10 लाख में हिस्से डालेंगे। हर बंदा अपने अपने हिस्से के पैसे जमा कराएगा, और जब अपने हिस्से के पैसे जमा कराएगा तो हम उसको उतने हिस्से का शेयर दे देंगे और हम कहेंगे लो जी अब हमारी कंपनी शुरू हो गई। इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको ऊपर करता हूँ। अगर ये बातें समझ आती हैं और इस पे एक जादुई बटन होगा, जगह तो 4 लोग ए बी सी डी, 4 लोग चाहते हैं कि हम अपनी खुद की कंपनी बनाएं। ये सबको पता है कि कंपनी एक बड़ा कमर्शियल सा अरेंजमेंट होता है, कंपनी का मतलब है कि कंपनी में हिस्सेदार होगा सिर्फ पैसे वाला बंदा। इन्होंने ये तय किया कि हम जो कंपनी बनाएंगे जो बिजनेस हम मिलकर करेंगे, कंपनी बहुत ही फॉर्मल किस्म की पार्टनरशिप को कहते हैं, इन्होंने जो हम कंपनी मिलकर करेंगे वो चलेगी 10 लाख से, 10 लाख उसका कैपिटल होगा। अब ये कैपिटल अगर 10 लाख होगा तो जो कंपनी के बनाने वाले हैं जो कंपनी के मेंबर हैं उनको इसमें हिस्से डालने पड़ेंगे,
ए ने कहा कोई बात नहीं मैं घर से 2 लाख रुपए ले आऊंगा, बी ने कहा मैं जरा अमीर बाप का बच्चा हूं मैं 5 लाख रुपए ले आऊंगा, सी ने कहा जी मैं तो 1 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, डी ने कहा चलो यार बकाया 2 लाख मैं दे सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से एक गरीब था एक अमीर था तो सबने सोचा चलो कोई बात नहीं यार ये गरीब है ये अमीर है हम हैं तो दोस्त ना आ जाओ मिल बांट के शेयर कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं कमर्शियल गेम है कोई दोस्ती यारी नहीं है, इन सबने मिलकर कंपनी बनाई है तो कंपनी 10 लाख रुपए के कैपिटल से चल रही है। तो इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा हमें काम करते हैं 10 लाख को हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इन्होंने 10 लाख की कैटेगरी बनाई कि ये 10 रुपए का एक हिस्सा है और 1 लाख हिस्से हैं कंपनी के पैसों को उन्होंने 1 लाख 10-10 रुपए के शेयर्स में तोड़ डाला और जिसने जितने रुपए खर्चे हुए थे उसको कह दिया ये लो तुम्हारे शेयर्स, ये जिसने 2 लाख खर्चे थे उसे कहा तुम्हारे पास आ गए 20,000 शेयर्स, तुम 20,000 शेयर्स के मालिक हो, तुम जी 50,000 शेयर्स के मालिक हो, तुम्हारे पास 10,000 शेयर्स है और तुम्हारे पास 20,000 शेयर्स। कंपनी का हिस्सेदार बना दिया और फिर इन्हीं शेयर्स के हिसाब से इनकी परसेंटेज निकाल दी कि तुम कंपनी के 20% के मालिक हो, तुम कंपनी के 50% के मालिक हो, तुम कंपनी के 10% के मालिक हो, तुम कंपनी के 20% के मालिक हो। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। चार दोस्त मिलकर चाह रहे थे कि हम एक बिजनेस करें, फिर उन्होंने सोचा कि हम इस बिजनेस को एक फॉर्मल तरीके से करते हैं कंपनी बनाते हैं। अक्सर लोग अपनी खुशी से कंपनी बनाते हैं और कुछ लोग इसलिए कंपनी बनाते हैं कि वो मजबूर हो गए होते हैं, खास नंबर से ज्यादा लोग पार्टनरशिप नहीं चला सकते कानून के मुताबिक। कंपनीज एक्ट है सेक्शन 9 इसका ये कहता है कि अगर आप एक खास लेवल की तादाद से ऊपर है जो कि 20 है तो फिर आप पे वाजिब हो जाएगा कि आपको कंपनी बना ली है। ये चार दोस्त हैं तो इसलिए मैं यहाँ वाजिब वाली बात नहीं कर रहा, ये अपने शौक से कंपनी बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया इन्होंने पैसे जोड़े और इस 10 लाख से, वो लोग ध्यान से सुने जो कंपनी का कॉन्सेप्ट या शेयर्स के कॉन्सेप्ट पर परेशान होते हैं, इन्होंने 10 लाख रुपए उठा के एक बॉक्स में डाल दिया। इस बॉक्स को इन्होंने प्यार से कहा हमारी कंपनी। फॉर एग्जांपल एक वाकई फिजिकल बॉक्स में पैसे डाल दिए और कह दिए ये जो ये डब्बा है ना ये कंपनी है, ये हम सबकी कंबाइंड प्रोडक्ट, हम चार दोस्तों का जॉइंट जो शाहकार है वो ये डब्बा है जिसमें इस वक्त 10 लाख रुपए। अब कंपनी 10 लाख रुपए से चलेगी और फिर उस डब्बे को एक नाम दे दिया, उसको कह दिया कि जी ये है एक्स वाई जी लिमिटेड, इस डब्बे को एक नाम दे दिया, यानी कि जी ये अब एक्स वाई जी लिमिटेड है, ये अब बिजनेस करेगी इस 10 लाख से। अब इस वक्त सामने बोर्ड पे 5 लोग हैं, ए बी सी डी, ये 4 इंसान और एक 5वां इंसान है जिसका नाम है एक्स वाई जी लिमिटेड, इसको हम कॉर्पोरेट पर्सन कहते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं और इसको प्यार से कंपनी भी कहते हैं। तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, इन चार लोगों ने मिलकर एक नया पर्सन बना दिया ये बॉक्स, उन्होंने कहा ये 10 लाख रुपए इस बॉक्स के पास है, ये कंपनी है, ये एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है एक्स वाई जी लिमिटेड, जिस इंसान के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं 10 लाख। ये 10 लाख इस इंसान ने कुछ लोगों से उधार मांगा है, इन चार लोगों, ये इंसान इस 10 लाख पे जितना भी कमाएगा वो इन चार लोगों को उस हिस्से में देगा, ये इसकी जिम्मेदारी है इस इंसान की। लेकिन ये इंसान चलेगा कैसे, ये तो डब्बा है, 10 लाख रुपए तो एक डब्बे में डाल दिए और ये चारों तो बन गए मेंबर। पार्टनरशिप में क्या होता था, 2 लोग पैसे लेके आते थे, 2 लोग स्किल्स प्रोवाइड करते थे, मिलकर चलते थे, स्किल्स वाले इदारा चलाते रहते थे, पैसे वाले पैसे देके साइड पे हो जाते थे और बिजनेस चल पड़ता था। अब तो सबके सभी नवाब हैं, सबके सब पैसे वाले हैं, तो फिर अगला रूल आता है, अब ये तो पता लग गया कि ये है कंपनी के ओनर्स, अब कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी चलेगी कुछ मैनेजर्स के थ्रू, कुछ एम्प्लॉइज के थ्रू। तो हो सकता है ये लोग क्या करेंगे, 10 लाख रुपए में से कुछ सैलरियों पे 3-4 लोग रख लेंगे, हम तो हमारे मुलाजिमों मुलाजिम तो रख लेंगे, मुलाजिमों को कंट्रोल कौन करे, अगर मुलाजिमों को नजर आएगा हम डब्बे के अंदर बैठे हुए हैं और आसपास कोई भी नहीं है और ओनर तो घर बैठे हुए हैं तो वो तो खा जाएंगे डब्बे के अंदर रखे हुए सारे पैसे, तो आपको इसका मतलब है ओनर्स के कुछ नुमाइंदे भी चाहिए। तो फिर ऐसे में मिस्टर बी कहते हैं देखो भाई मैंने तो 5 लाख रुपए दिए हैं मैं नहीं काम शाम करूंगा, मिस्टर सी ने कहा देखो मेरे पास पैसे कम थे लेकिन मैं सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं तुम लोगों के बिहाफ पे जाके वहां पे कंपनी के मामला चला लेता हूँ, तो चूंकि मैंने पैसे कम दिए थे तुम लोग मुझे कम ये चीज दे रहे थे परसेंटेज प्रॉफिट का, अब चूंकि मैं मामला संभालूंगा मुझे तनख्वाह दे दिया
तो क्या हुआ, मिस्टर सी और मिस्टर फर्स्ट करें डी, ये दोनों बन गए यहां के डायरेक्टर्स, और ये दोनों डायरेक्टर्स अब कंपनी के मामलात को देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि अल्लाह वास्ते देखेंगे या दोस्तों की मोहब्बत में देखेंगे, ये मामलात देखने के उनको पैसे मिलेंगे, मीटिंग्स के पैसे मिलेंगे, सैलरियां मिलेंगी, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने 10 लाख रुपए से बिजनेस किया और उस बिजनेस से कंपनी को आ गया 1.2 मिलियन का रेवेन्यू, दस लाख रुपए से कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, साल के एंड पे कंपनी के पास 13 लाख, 3 लाख का इन्हें मुनाफा हो गया। इसमें से खर्चे माइनस करेंगे, बाकी सारे खर्चे तो माइनस हो गए, अब रह गए ये ओनर्स, तो पहले इसमें से लेस कर देंगे सैलरीज किनकी, डायरेक्टर्स की। पता ये लगा कि डायरेक्टर्स की जो सैलरीज हैं वो हैं 1 लाख, आपने माइनस किया तो आपने कहा अब हमारी वर्थ है 12 लाख, कंपनी शुरू हुई थी 1 मिलियन से, तो हमारे पास इस वक्त प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। इनके एहसान कोई नहीं रखा कंपनी ने, क्या हमें तुमने सर्विस प्रोवाइड की थी, ये पकड़ो सर। तो ये डब्बा है जिसमें पैसे डले हुए हैं, इस डब्बे ने लोगों के पैसे से बिजनेस किया, जिन्होंने इस डब्बे को चलाने में मदद की थी उनकी भी तनख्वाहें निकाल दी, और जो बच गया पैसा वो उठाकर उसने कहा जी ये मेरे पास 2 लाख प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो उसने कहा जी मेरे पास ये 2 लाख पड़ा हुआ है, कहो तो इसी डब्बे में रख दूं, कहो तो तुम लोगों को डिवाइड कर, ये वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, ये मशवरा देंगे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन फाइनली उन लोगों के पास इख्तियार है कि क्या होना है। इन्होंने सोचा यार अगर हमने 2 लाख का 2 लाख वापस निकाल लिया तो कंपनी तो वहीं खड़ी रह जाएगी, अगली बार फिर 10 लाख से शुरू करेगी, तो काम करते हैं थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अंदर आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी इस 2 लाख में से 1 लाख रिजर्व्स में डाल देते हैं, अब हमारी कंपनी की वर्थ हो गई 1 मिलियन प्लस 1 लाख के रिजर्व्स, और 1 लाख उठा के हम मेंबर्स को बांट देते हैं, जो मेंबर्स को प्रॉफिट का हिस्सा बटेगा वो डिविडेंड क्या, किस तरह से बटेगा ये 1 लाख। तो बहुत ही इंसाफ हो गया, पैसे वाले को अपने पैसे की वर्थ मिल गई, सर्विस वाले को अपनी सर्विस की वर्थ मिल गई, और ये चारों लोग अपनी जिंदगी में अलग अलग थे, लेकिन ये डब्बा बनाने के बाद ये सब लोगों का एक कंबाइंड नेम आ गया, विच इज XYZ लिमिटेड, और XYZ लिमिटेड एक इंसान है जो कि अपने आप को जिसने भी पैसे दिए हुए उनका पैसा अपने पास नहीं रखता, उनकी मर्जियों के मुताबिक उस पैसे को डील करता है। तो इसका मतलब है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये डब्बा एक अलग चीज है, ये डब्बा इस 10 लाख रुपए से अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, अब डब्बा नहीं खरीदेगा, खरीदेंगे ये लोग, डब्बे में पैसे जो रखे हुए उनको इस्तेमाल करने का हक इनके पास है, किसने दिया ये हक, उन 4 लोगों ने। तो टेक्निकली अगर कुछ लोग मिलजुल के बिजनेस करना चाहते हैं और थोड़ी ड्रामेबाजी भी करना चाहते हैं तो वो सारे मिलजुल के क्या करते हैं, अपना एक कॉर्पोरेट वजूद बना लेते हैं, एक और सेटअप बना लेते हैं। अब ये 4 लोग अपने नाम से अपनी जिंदगी में जो मर्जी करें, उन्होंने एक सेपरेट डब्बा बना लिया और ये डब्बा का नाम है XYZ लिमिटेड, ये डब्बा जो करेगा वो उस डब्बे का मसला है, ये डब्बे को प्रॉफिट भी हो सकता है, डब्बे को लॉस भी हो सकता है, डब्बा अपने नाम से जमीन भी खरीद सकता है। तो ए अपनी पर्सनल लाइफ में जमीन खरीद सकता है, और ए अगर चाहता है कि कंपनी के पैसों से जमीन खरीद दी जाए, ये आपस में मशवरा करेंगे, फिर इन पैसों से 3 लाख रुपए उठा के जमीन खरीदेंगे और जमीन होगी XYZ लिमिटेड नामी इंसान के नाम पर। क्यों उन 4 के कंबाइंड नाम पे क्यों नहीं, सेपरेट लीगल पर्सन, हम ये चाह रहे हैं कि ओनर्स का और बिजनेस का ताल्लुक ही आपस में कोई ना हो। कल को ए को पैसों की जरूरत पड़े, एक और बंदा आके ए से कहे कि यार एक काम करो तुम अपने शेयर मुझे बेच दो, ए अपने शेयर मिस्टर जे को बेचे, मिस्टर जे इधर आ जाएगा, ए चला जाएगा, कंपनी चलती रहेगी, कम से कम को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कंपनी के ओनर्स अपने शेयर जैसे मर्जी बेचें, जो मर्जी करें, उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एक अलग वजूद की तरह चलती रहती है। तो कंपनी, कंपनी की ओनरशिप, कंपनी की मैनेजमेंट, 3 अलग अलग चीज। कंपनी में मेंबर बनने के लिए एक ही शर्त है, पैसा, कमर्शियल गेम, टोटल कमर्शियल गेम है ये नहीं है कि एक बंदा आके गया मैं बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मुझे भी मेंबर बना ले, नहीं, हमारा मेंबर वो होगा जिसके पास पैसे होंगे, चाहे 10 रुपए एक भी शेयर ले ले वो हमारा मेंबर बन जाएगा, तो उसे प्रॉफिट का भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उस एक शेयर की टोटल कैपिटल में बात है।
हाँ जो एडिशनली कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एडिशनली कुछ और सैलरी और इस तरह के मामला मिलेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह से, अब इसका एक फायदा है, 10 लाख से बिजनेस शुरू हुआ, नुकसान आपने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, एक बिजनेस डील हुई, सारा कुछ उसमें चीजें ऊपर नीचे हो रही थी और एंड पर पता लगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में 14 लाख का जुर्माना पड़ गया, 10 लाख का डब्बे से निकाल के दे दिए, 4 लाख का इजाफी नुकसान हुआ है। डब्बे में कितने पड़ेगा, आपने डब्बे को ऐसे निकाल के खाली किया, फिर दो तीन दफा थप 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 किया, जितना उसमें से निकलेगा बस उतना ही निकल सकता है। कोई आके कहेगा ए बी सी डी मिस्टर, इनका घरबार पकड़ के गए 2-4 लाख, वो कहेंगे किसने नुकसान किया, वो कहेंगे तुमने, कहेंगे नहीं एक्स वाई जी लिमिटेड ने किया, जाके डब्बा खोलो ले जाओ सारे पैसे, कहेंगे तुम लोग पैसे दो, हम अलग इंसान है डब्बा अलग इंसान है। कैसा हो सकता है कि एक इदारे के मेंबर कहेंगे हम अलग लोग हैं, इदारा अलग लोग भाई, वरना रिजल्ट वाले दिन तो आप सब मुझे पकड़ लें, सर आईकेप ने मैं फेल कर दिया, आप आईकेप के मेंबर हैं, मैं कहूंगा जाओ आईकेप को पकड़ो, आप कहेंगे क्या मजाक करते हो, ये सारे मेंबर्स मिल गई तो आईकेप है, मैं कहूंगा नहीं नहीं आईकेप एक अलग डब्बा है, एक अलग बॉडी है, आप कहेंगे क्या आईकेप है, किस इंसान का नाम आईकेप है, किसी इंसान का नाम आईकेप नहीं है, हम मेंबर्स में से कोई वहां जाके उस इदारे को चला रहा होगा, चलाने के पैसे ले रहा होगा, तो टेक्निकली आईकेप भी तो उतना ही डब्बा है। उसी तरह का एक वर्चुअल सी एक हवाई सी बॉडी है जो कि जिसकी कुछ बिल्डिंग है, लेकिन मिस्टर आईकेप को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आईकेप एक वर्चुअल एक शख्स है, तो कंपनी उसी तरह का वर्चुअल शख्स है, मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड की शक्ल कभी किसी ने नहीं देखी होगी, हाँ मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर इनका टाइटल लगा हुआ होगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे इनका लेबल लगा हुआ होगा, लेकिन ये कंपनी, तो कंपनी एक वर्चुअल आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो अपने मेंबर्स से अलग होती है, और मेंबर्स की जाती लाइफ की जाती जिम्मेदारियों का कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, और कंपनी के मसलों का मेंबर से कोई ताल्लुक नहीं। किसी की अगर पीटीसीएल अच्छा नहीं चल रहा तो वो पीटीसीएल के मेंबर को जाके नहीं पकड़ेगा कि नहीं चल रहा, वो पीटीसीएल नामी कंपनी यानी उसकी इंतजामियों को जाके पकड़ेगा कि भाई मेरा पीटीसीएल सही नहीं चल रहा। सर ऐसा बंदा जो स्किल्स प्रोवाइड करे वो मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा बंदा जो स्किल्स प्रोवाइड करना चाहता है वो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर नहीं बन सकता। हम आगे जाके देखेंगे कंपनियों की भी कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें वो अदर देन शेयर होल्डर भी मेंबर का दर्जा देते हैं, लेकिन नॉर्मल रूल ये है कि शेयर होगा तो आप मेंबर होंगे, बात समझिए। अब गेम है सारी शेयर की, अब ये बंदे को कितने रुपए का शेयर मिला है, 10 रुपए का, इस 10 रुपए के शेयर ने इस बंदे को कमा के भी दिया, यानी कि देखे ना इस लाख में से 20% 20,000 रुपए से आया होगा, पर शेयर 1 रुपया आया है प्रॉफिट। मार्केट में एक बंदा ऐसे आके कहता है कि यार अपने शेयर मुझे बेच दो, वो कहता है अच्छा मैं 13 रुपए का शेयर बेचूंगा, 13 रुपए का कागज, इस पे तो कागज पे लिखा हुआ 10 रुपए का, तुम 13 का क्यों बेचोगे। उसने कहा भाई बात यह है कि ये कंपनी हर साल कम से कम 1 रुपया तो डिविडेंड देती है इस पे, तो जो तुम 10 रुपए खर्चोगे ये 10 रुपए तुम्हें 1-1 रुपया तो मरे से मरा कमा के दे रहा है। दूसरा अगर कंपनी बंद होती है तो इस 10 रुपए के अगेंस्ट कंपनी में 10 नहीं 12 रुपए रखे गए या 11 रुपए रखे गए। भाई अगर 5-6 साल बाद कंपनी का ये 10 लाख बढ़ते बढ़ते 20-22-25 लाख हो जाए तो आपके शुरू के जमा कराए हुए 10 रुपए के अगेंस्ट कंपनी में तो 22 रुपया पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शेयर की वर्थ खुद बहुत बढ़ गई, तो शेयर के फेस पे लिखा हुआ होगा 10 रुपए, इसलिए उसको फेस वैल्यू कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं। तो वो चाहे शक्ल पे 10 रुपए लिखा हुआ आ रहा हो, वो जो शेयर है जिस पे 10 रुपए लिखा हुआ है वो आप मार्केट में अगर बेचना चाहें तो आप ज्यादा वर्थ कर बेच सकते हैं। तो हो सकता है आप कहेंगे देखो ये शेयर इतना डिविडेंड कमा के देता है मैं 14 रुपए का बेचूंगा, और अगर डिविडेंड का टाइम बिल्कुल करीब आया हुआ तो हो सकता है आपके 15 रुपए का बेचूंगा, 14.5 का बेचूंगा, क्योंकि खरीदने वाले को पता है कि खरीदते साथ ही 1-1.5 रुपया तो वैसे रिकवर हो जाता है। तो टोटल गेम है डिमांड एंड सप्लाई की, कि कंपनी के शेयर की क्या वर्थ है, एक कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है, वगैरह वगैरह। कई जगह स्पेकुलेशन चल पड़ती है, उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, मार्केट पर खबर उड़ जाती है कि इस कंपनी के शेयर 10 रुपये पड़ने वाला है, तो मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ हो और मैं कहूँ चलो यार मैं 1 करोड़ से शेयर खरीद सकता हूँ, फर्ज करें 10 लाख मुझे ये पता है कि ये कंपनी जो है इसकी शेयर की प्राइस 10 रुपए बढ़ने वाली है, तो अगर मैं 10 लाख शेयर्स खरीद लूं 1 करोड़ और हर शेयर 10 रुपए बढ़ रहा हूं
तो मुझे एक को करोड़ खर्चने पे कितना प्रॉफिट होता है? एक करोड़। तो अगर मैं बहुत ज्यादा सियाना इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है और मैं एक दो महीने में अपने एक करोड़ को दो करोड़ बनाना चाहता हूँ तो शायद मैं इन्वेस्ट करूँ। सर अगर खरीदने के बाद वो हाफ प्राइस हो गई है? यही तो गेम है, दिस इज स्पेकुलेशन, यही तो स्पेकुलेशन है, यही तो गेम है जिसमें ये रातों रात बंदा उधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। ये एक अलग कहानी है, वो दिन जब हमारा शेयर स्टॉक एक्सचेंज की जब हम बात करेंगे तब सारे नहीं लेकिन ज्यादातर हलाल है। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक हकीकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें उतने ज्यादा मसले नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसमें कुछ और मामला भी हैं, उसका डेट कितना है, बाकी सारी चीजें। तो ये आज के दिन ये टॉपिक खुला तो गलत हो जाएगा, बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि शेयर अपने अंदर एक सेलेबल प्रोडक्ट है और कंपनी की ओनरशिप ही बराए फरोख्त है। आज चार ओनर है, हो सकता है 10 दिन बाद 15 ओनर हो सकता है। एक अपने की 20,000 शेयर 5,000 करके चार लोगों को बेच दे और इस एक की जगह कल को चार शेयर होल्डर खड़े थे, तो कंपनी जारी रहेगी। 50 साल पहले ये चार लोग थे, 50 साल के बाद शायद 2,000 लोगों और ये चार हो ही ना, ऐसा भी पॉसिबल है। तो कंपनी चलती रहेगी और ये इन लोगों की विरासत आगे से आगे ट्रांसफर होती रहेगी, बात समझे? क्या हम ए बी सी डी को बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे जितना मर्जी नुकसान हो जाए? दो लाख उसने दिया है तो 2,00,000 से ऊपर उसे, हाँ अगर उसने 2,00,000 देते हुए कहा था 1,80,000 पकड़ो, 20,000 का फिलहाल उधार कर लो, तो जो उसने उधार किया वो जरूर उसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर उसने अपने पूरे 2,00,000 झोंक दिए हैं और कंपनी बंद हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा इस बंदे का जो नुकसान हो सकता है वो उतना है जितना उसने खरीदे। डन। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, कंपनी क्या होती है, कंपनी अपने ओनर से कैसे फर्क होती है, कंपनी की लायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, कंपनी के बाकी मामलात किस तरह से हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट अलग है, कंपनी की ओनरशिप अलग है, ओनर्स प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं, इन लोगों को सैलरी मिलती है। प्रॉफिट सारे ओनर्स तक नहीं पहुंचते, कई दफा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, ये आपस में मिलकर तय कर लेते हैं। इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कि ये किस तरह से होता है। तो अब इस कंपनी से रिलेटेड हमारा पूरा सिलेबस डिफाइंड है, जैसे चैप्टर 1 है वो बताता है कंपनी क्या होती है और कितनी तरह की होती है और मुख्तलिफ छोटी छोटी सी बातें। चैप्टर 2 हमें बताता है कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। चैप्टर 3 बताता है डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी को कैसे चलाते हैं, जो कि हमने पूरा पढ़ लिया हुआ है। चैप्टर 4 बताता है कि डायरेक्टर के अलावा कुछ और ऑफिसर्स कौन होते हैं। चैप्टर 5 हमें बताता है ये शेयर कैपिटल क्या है, इसके कितने नाम होते हैं, इसके अंदर कितनी किस्में होती हैं और इसके छोटे छोटे से रूल्स क्या होते हैं। चैप्टर 6 पर हमें बताता है कि अगर ये कंपनी मार्केट में अपने शेयर देना चाहती है, लोगों को इनवाइट करना चाहती है, तो उसका इक्तदार क्या निजाम है। चैप्टर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर ये कंपनी लोन वगैरह लेना चाहे तो उसके अगेंस्ट क्या क्या सिक्योरिटी हो सकती है और कैसे चलेगा, वो चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 8 हमें बताएगा कि ये कंपनी अपने फैसले कैसे करती है, ये मीटिंग्स कैसे करती है और मेंबर्स इकट्ठे होकर क्या क्या मामला किस तरह से करते हैं। चैप्टर 9 पता नहीं क्या बताऊंगा, जो है ना, तो चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स को डील करता है कि ये लोग अपने प्रॉफिट्स वगैरह को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चैप्टर 10 फिर इन्वेस्टमेंट वाला ही होगा। तो चैप्टर 10 ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे अगर बाहर इन्वेस्ट करना चाह रही है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगी, अपने नाम पे करेगी या किसी एम्प्लॉय के नाम पे करेगी, और अगर किसी रिलेटेड पार्टी में इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, और अगर किसी का कोई मामला है, कोई इंटरेस्ट है, कोई कंसर्न है तो वो कैसे बताएगा। चैप्टर 11 बताता है कि कंपनी अपने अकाउंट्स वगैरह और वो चीज़ें किस तरह से मेंटेन करती है और सालाना बेसिस पे मेंबर्स के सामने कैसे पेश करती है। और चैप्टर 12 बताता है कि कंपनी को बंद कैसे करते हैं। तो चैप्टर 1 में कंपनी शुरू करते हैं और चैप्टर 12 में कंपनी बंद कर देते हैं। अब कंपनी हमने बंद पहले कर दी है, अब उसे खोलते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कराते हैं, उसके डॉक्यूमेंट समझते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्चुअली कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल है जरूर पूछना। सब क्लियर है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वैसे ट्रांसफर हो सकते हैं कि उसके? जी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, वो 100% मेंबर से पूछे बगैर अपने तो वो रिस्ट्रिक्शन है, कानूनी तरफ से उनको मना किया हुआ है। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट रेगुलेशंस होती हैं जो बताती हैं वो अपने शेयर कैसे दे सकते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम अपने सिलेबस में यही सोचेंगे कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर नहीं बेच सकते, वो फंस जाते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। हमारे सिलेबस में बेचने का एक तरीका होता है लेकिन वो हमें नहीं देता, ट्रांसफर नहीं कर सकते।
अगेन बेचना और ट्रांसफर एक ही बात है। हाँ, अगर मर जाए खुद ब खुद और बच्चों को खुद ब खुद चला जाए तो इसको हम ट्रांसफर नहीं कहते, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं, ये अलाउड होती है। लेकिन वर्ड ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का फर्क हमारे सिलेबस में नहीं है, ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारा तो सिलेबस बहुत ही क्यूब है। चलें जी, पक्की बात है। बिजनेसेस की कितनी टाइप्स हैं? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनीज। मेरे ख्याल में ये बताना बड़ा मतलब गलत होगा इस लेवल पे, लेकिन फिर भी सुन लें। अकेला बंदा जो अपना बिजनेस चला रहा है वो सोल ट्रेडर है, लॉ उसको एक सेपरेट पर्सन नहीं काउंट करता उसके बिजनेस को, यानी मिस्टर मुश्ताक और मिस्टर मुश्ताक की दुकान। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुश्ताक अलग पर्सन और मुश्ताक की हट्टी एक अलग पर्सन, तो मुश्ताक और मुश्ताक की दुकान सेम चीज है। सेम गोज विद पार्टनरशिप, चार पार्टनर्स और उनकी मिली हुई मिलजुल के चलाई जाने वाली पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप इज द कलेक्टिव नेम ऑफ वो चार, वो पार्टनरशिप अलग से कोई बिजनेस नहीं, अलग से कोई नाम नहीं, लेकिन कंपनी एक अलग से नाम है। पर्सन पर्सनली लायबल है सारे डेट्स के लिए बिजनेस के लिए। सोल ट्रेडर अगर 10 लाख से अपनी दुकान चला रहा है और 13 लाख का नुकसान कर देगा, पहले वो बंदा आएगा जिसका नुकसान हुआ, पहले उसकी दुकान में को आएगा 10 लाख रिकवर करेगा, फिर उसको कहेगा अपने घर के एसेट बेचो मुझे 3 लाख और पूरा करके दो। ये जितना मर्जी कह दे मेरे पास तो इतना ही था, उसने कहा वो तो तुम्हारे बिजनेस में था ना, आप घर के साथ बेचो। तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबल है, लेकिन कंपनी लिमिटेड लायबल है, कंपनी उतनी ही लायबल है जितना उसका पेड अप कैपिटल है, जितना उसके पास पड़ा हुआ है। पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो ओन कर रहे हैं और रन कर रहे हैं अपना बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस एक पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होता लॉ में, लॉ इसको सेपरेट पर्सन नहीं काउंट करता जैसे कंपनी को करता है। और पार्टनर्स पर्सनली लायबल हैं जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स पर है, तो अगर पार्टनरशिप से कोई नुकसान होगा तो ये सब मिलजुल के लायबल हैं, और जिसका नुकसान हुआ उनमें से किसी एक से भी सारा नुकसान रिकवर कर सकता है, पर वो बाकियों को खुद ही ढूंढता पड़ेगा, यार वो मेरे से नुकसान ले गया तुम नुकसान पूरा करो, उसी तरह से अनलिमिटेड लायबल है। अब कंपनी में सारी चीजें फर्क हो जाएंगी, कंपनी का नाम भी अलग है, कंपनी का ओनर भी चेंज हो सकता है, कंपनी की लायबिलिटी भी लिमिटेड है। तो कंपनी की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कंपनी का कैपिटल शेयर्स में रिप्रेजेंट होता है, शेयर होल्डर्स के ओनर कहलाते हैं। कंपनी एक प्रोसेस से क्रिएट होती है जिसको कंपनीज एक्ट ने बताया, कंपनी एक लीगल पर्सन है अपने ओनर से सेपरेट है, इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं, रूल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनीज को डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, पहले उन्होंने बेसिक बेसिक बताया लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने थोड़ा सा और आगे जाके बताया है, ये मेरे पास स्लाइड मौजूद थी, टीम ने काम किया हुआ था, मेरा ख्याल था कि उन्होंने ना मेरी किताब वाली स्लाइड मुझे दे दी होगी, इतनी मेहनत की मैंने, चलिए कोई बात नहीं, मैंने पहले से ये सजा के रखा हुआ था लेकिन मुझे लग रहा था कि आपके पास स्लाइड थोड़ी सी वो वाली है, डिफरेंट वाली है, कोई बात, हमने अलग मेहनत कर ली, देखिए इधर अलग अलग रंगों से मेहनत हुई थी, कितने खूबसूरत खूबसूरत, इग्नोर करते हैं। अच्छा, इधर भी 10 लाख से कंपनी शुरू हुई थी लेकिन बंदे 5 थे, ए और डी डायरेक्टर्स थे, 50,000 महान है सालाना, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, 1 लाख की सैलरी, मैं करीब करीब था, एक हिस्सा 10 रुपए का था, ठीक है, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट हाँ, उधर मेरे पास 3 लाख प्रॉफिट आया था, नहीं नहीं इधर भी वही है, 1 लाख माइनस होने के बाद 2 लाख देता है, खैर इसको। कंपनी के फीचर्स, तीन काम की बातें, तीन बातें जो कंपनी को एक सादा बिजनेस से डिफरेंशिएट करती हैं, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परचेज ऑफ सक्सेस। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वेंडर हो सकती है, कंपनी एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी अलग इंसान है, कंपनी अपने नाम से परचेज करेगी, अपने नाम से जमीन खरीदेगी, कंपनी अपना टैक्स खुद भरेगी, कंपनी एक बिल्कुल एक कानून की नजर में एक इंसान है, और एक इंसान कानूनी तौर पे जो एक्वायर कर सकता है, इवन कंपनी किसी भी केस कर सकती है, मिस्टर एक्स वाई जी लिमिटेड किसी भी केस कर सकता है, क्लियर। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इसको हम सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, ओनर्स की लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी लिमिटेड है, कितनी? जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया। तीसरी चीज, कंपनी में वो मजाक है जो पार्टनरशिप में नहीं है, ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप में आज कोई और पार्टनर है, कल कोई और, परसों कोई और, जैसे ही एक पार्टनरशिप जाएगा पार्टनरशिप बंद हो जाती है, जैसे ही नया बंदा आता है पार्टनरशिप बंद, लेकिन कंपनी को पता ही नहीं है और कंपनी के ओनर्स बदल रहे हैं, दिस इज पॉसिबल। तो कंपनी में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, कंपनी की ओनरशिप बदलती रहती है। एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन कंपनी, इवन कोई और कंपनी भी एक कंपनी की शेयर खरीद सकती है, वो भी मालिक बन सकती है,
शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को, इससे कंपनी के लीगल स्टेटस पे या एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बंदे ने अपने शेयर किसी और को बेच दिए तो कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कोई सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप में जो भी चेंज आया कंपनी उससे मुतासर नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। अब आगे चलते हैं, अब हमें कंपनी समझ आ गया कि कंपनी क्या है, सोल ट्रेडर क्या है, पार्टनरशिप क्या है। कानून से पूछते हैं, कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया कंपनी को, अ कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। उन्होंने कहा कंपनी कंपनी को कहते हैं जिसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया गया हो या कंपनी लॉ में रजिस्टर किया गया हो। अब आप परेशान हो गए, आपने कहा अंडर दिस एक्ट तो समझ आ गया, कंपनी एक्ट 2017, ये कंपनी लॉ से क्या मुराद है? कंपनी लॉ का मतलब है कंपनियों का पाकिस्तान का कोई भी कानून, यानी कि 1913 का कंपनीज एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जमाने का बना हुआ, 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस, फिर 2016 में वो रिवाइज हुआ था, फिर 2017 में ये वाला एक्ट आया था। तो इन चारों को मिला के कंपनीज एक्ट कहेंगे, लेकिन अगर कहीं लिखा होगा कंपनीज एक्ट और बाकी कंपनी लॉ, तो इसका मतलब है फिर कंपनीज एक्ट को हम कंपनी लॉ में काउंट नहीं कर रहे। तो कंपनीज एक्ट में 1913 का कानून, 1984 का कानून और 2016 का कानून तो आता ही है, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट, ये एक्ट भी शामिल होता है अनलेस के कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस के जुमला ऐसा लिखा है जिसका और मतलब नहीं कर रहा है। जैसे मैंने ऊपर जुमले में कहा कि कंपनियों से कहते हैं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई हो या कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, इसका मतलब है मैंने कंपनीज एक्ट अलग से बता दिया, तो इस कंपनी लॉ में तीन चीजें आ गई। और अगर किसी एक जगह जुमला लिखा हो कोई भी कंपनी लॉ, तो इसका मतलब क्या होगा? तो कंपनी लॉ से मुराद है पाकिस्तान में अभी तक जितने भी राइज कंपनियों के कानून रहे हैं बशमूल कंपनीज एक्ट 2017 के, तो सबसे पुराना 1913 वाला, फिर 1984 का ऑर्डिनेंस 32 साल तक रहा, फिर 2016 वाला आया, और 2016 वाला 4 महीने में फौत हो गया क्योंकि वो ऑर्डिनेंस था और उसको रिवाइज करके एक्ट आ गया 2017 में। सर 1913 मिसिंग है बुक में ना? यस सर। हाँ, इसको 1913 लिख लें, ये पे टाइपो एरर होगा। 1913 ऐसे कर लें, रिपील कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डर 1984, 2016 वाला, और ये वाला भी, ये वाला कौन सा है? जी सर, ये खत्म हो गया? नहीं, वहाँ वहाँ पे कोई आवाज आई, किताब में है नहीं है, फोटोकॉपी था नहीं आप लोगों को? हाँ, मैंने आप लोगों को फोटोकॉपी जो दी थी उसमें भी नहीं था। किसे कह रहे हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, कंपनी एक्ट में या कंपनी लॉ में? कंपनी लॉ कैसे कह रहे हैं? पुराने तमाम कवानीन और जरूरत पड़ने पे कंपनी एक्ट 2017। जब हम कंपनी को समझते हैं तो वहां एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, बॉडी कॉर्प। जी, unless the context provide otherwise, हाँ, देखें, unless the context provide otherwise, इसको कह दे, unless के जुमला कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने जुमला सुनना है, जुमला ये है कि पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कंपनी लॉ के तहत जो भी कंपनी होती है उन सबको टैक्स देना है। ये जुमले का मतलब है, मैंने कहा पाकिस्तान में जितने भी कंपनी लॉ है, तो कंपनी लॉ को मैंने वाजे नहीं किया कि कौन सा वाला, तो जब मैंने खाली कंपनी लॉ बोल दिया तो चारों आ गए बीच में। अब जुमला सुने, मैं कहूं 1917 वाले कानून से पीछे के जितने भी कंपनी लॉ थे उसके मुताबिक कंपनी को टैक्स देना होगा, तो अब मेरा कंपनी लॉ से क्या मुराद है? पिछले वाले तीन, तो पिछले वाले तीन हमेशा कंपनी लॉ में काउंट होंगे। आज वाला काउंट होगा या नहीं होगा? ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट, आज वाला एक्ट भी होता है अनलेस के जुमले ने उसको साइड पे कर दिया। जैसे मैंने कहा ना के कंपनीज एक्ट को छोड़ के बाकी जो कंपनी लॉ है, तो मेरा जुमला जो है वो कंपनीज एक्ट के अलावा बाकियों को इसमें शामिल कर रहा है। जी सर, अगर कोई कंपनी 1984 के लॉ पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और 2017 एक्ट कोई और कहता है, मतलब जी अब सवाल ये है कि अगर एक 1984 में रजिस्टर हुई और 2017 का कानून डिफरेंट कह रहा हो, जब भी एक नया कानून आता है ना तो वो ऑटोमेटिकली पुरानी कंपनियों को एक्सेप्ट कर लेता है,
जैसे 2017 का हम कानून पढ़ रहे हैं, उसने कहा कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी उसे कहते हैं जो या तो हमारे पास रजिस्टर हुई हो या हमसे पिछले किसी भी कंपनी में रजिस्टर हुई हो। फिर जब नया लॉ आता है ना और वो कोई नई बात कर रहे हो जो कि पुराने से क्लैश में हो, तो फिर ट्रांजिशनल प्रोविजंस आती हैं, 6 महीने की प्रोविजंस आती हैं। वो आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, वो कहते हैं पुरानी कंपनियां ये रूल फॉलो कर रही थी, अब नए वाले लॉ में ये रूल चेंज हो गया है, तो अब आपने 6 महीने तक पुराना रूल फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नए रूल की तरफ आ गए। तो ऐसे में कोशिश ये करते हैं कि पुराने वाले लॉ और नए वाले लॉ में आपस में क्लैश ना हो, पिछले वालों को सपोर्ट कर रहा होता है प्लस कुछ नई बातें होती हैं, और अगर कुछ ऐसी बात हो जो पिछले में ऐसे नहीं होता था तो फिर उसमें एक टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम तक आप इस तरह से कंपल्सरी होता है। कंपनियां ये वादा करती हैं, जब कंपनी रजिस्टर होती है ना तो आप उसको वादा करते हैं कि हम आज के कानून और आगे आने वाले किसी भी कानून की पालदारी करेंगे। जी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी समझ आ गई हमें, अब एक कॉन्सेप्ट है हर तरह की, हर तरह की कंपनी से मुराद है कोई भी कंपनी, गूगल भी तो एक कंपनी है, बैंक्स भी तो कंपनी होते हैं, इंश्योरेंस वाले भी तो कंपनी होते हैं, लेकिन क्या सारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं? नहीं। तो अगर मैं वर्ड कंपनी बोलूंगा ना हमारे पूरे लॉ में, जहां मैं कहूंगा ना कंपनी को चाहिए ऐसा करे, तो आप समझ जाइएगा मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के कंपनी लॉ में रजिस्टर होने वाली चीज की जिक्र कर रहा हूं। और अगर मैंने कभी जिक्र करना होगा पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कंपनी का, तो मैं एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल करूंगा जिसके अंदर आता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा वर्ड है, इसमें 3 चीजें शामिल है, पाकिस्तान की कंपनीज एक्ट वाली सारी कंपनियां, कंपनी लॉ वाली जितनी भी कंपनी है वो, प्लस पाकिस्तान में मौजूद कोई और लॉ उसमें रजिस्टर होने वाली भी कोई कंपनी, जैसे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, उसमें जो कंपनियां रजिस्टर होती हैं उसको हम कहते हैं बैंकिंग कंपनी। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, उसमें रजिस्टर होने वाला सेटअप को हम कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी। मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981, उसमें रजिस्टर होने वाले कानून को चीज को हम कहते हैं मुदारबा कंपनी। तो बहुत सारे कानून हैं जो अलग अलग कंपनियों को रजिस्टर कर रहे हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी लॉ वाली भी आ जाएंगी, एंड पाकिस्तान में मौजूद किसी और लॉ वाली भी कोई कंपनी आ जाएगी, एंड पाकिस्तान से बाहर जो भी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं वो भी आ जाएंगी। गूगल भी आ गई, डेल भी आ गया, अमेजोन भी आ गया, तो 3 चीजें इसमें शामिल है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, ये तो वही चीज है जिसे हमने कंपनी कहा था, या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान वो भी इसमें आ गई, या बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट स्टैट्यूट, जिसको उसके अपने कानून ने कहा होगी ये कंपनी है वो भी। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है हर तरह की कंपनी, और कंपनी का मतलब है कंपनी लॉ। और हम ये पूरा लॉ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी। तो क्यों बता रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट, समझ नहीं आ रहा, मतलब ये डेफिनेशन गाइड की जा सकती थी बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। इधर तो चलो फिर कोई कनेक्शन है, बिजनेस लॉ में तो डेफिनेशन और टैक्स का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं होगा। तो खैर 3 तरह की चीजें बॉडी कॉर्पोरेट शामिल होंगी, लेकिन 2 चीजों को चाहे दिखने में बॉडी कॉर्पोरेट लग रही हो हमने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। नंबर 1 कॉपरेटिव सोसाइटी, जो कॉपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई हो, ये हाउसिंग वगैरह की होती है, इमदाद बाहमी की सोसाइटीज होती हैं। क्या होता है बहुत सारे लोग मिलकर एक सोसाइटी रजिस्टर करा लेते हैं और उस सोसाइटी में मिलजुल के कंपनी की तरह से काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमने उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो कानून ने कहा खबरदार ये जो कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको आप लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, नंबर 1। नंबर 2 जिसको गवर्नमेंट कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कल को गवर्नमेंट वाले एक नोटिफिकेशन जारी करें खबरदार आज से पाकिस्तान में बैंकों को कोई कंपनी नहीं कहा करेगा, कोई बैंकों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेगा। अगर गवर्नमेंट का एक रेलेवेंट मिनिस्टर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से या कोई स्टेट बैंक वगैरह में से की वजह से गवर्नमेंट लेवल से एक नोटिफिकेशन मिनिस्टर लेवल से जारी हो जाए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर लेवल से एक नोटिफिकेशन आ जाए और वो कहे फलाना तरह के सेटअप को पाकिस्तान में खबरदार कोई कंपनी नहीं कहेगा, तो हम खबरदार हो जाएंगे और हम उस सेटअप को कंपनी नहीं कर करेंगे। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कशन की यहां तक। सर अगर कंपनी पाकिस्तान में फर्म ला के चले वो भी बॉडी कॉर्पोरेट, तो पाकिस्तान से बाहर की कंपनी जो पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगे वो भी बॉडी कॉर्पोरेट, पाकिस्तान में किसी और कानून की कंपनी ऑपरेट करेगी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट, और कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी बॉडी कॉर्पोरेट भी और कंपनी भी। यानी जब हमने बोलना होगा ना सारी कंपनियां, तो हम बड़ा वर्ड इस्तेमाल करेंगे,
बॉडी कॉर्पोरेट है। और जब हमने खाली कंपनी लॉ वाली कंपनियों का तस्करा करना होगा तो क्या लफ्ज बोलेंगे? कंपनी। तो वर्ड कंपनी का मतलब है कंपनी के कानून में रजिस्टर हुई चीज। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनियां भी आ जाती हैं, बाहर की कंपनियां भी आ जाती हैं और कंपनी लॉ के अलावा के कानून वाली कंपनियां भी आ जाती हैं, लेकिन दो को काउंट नहीं करना। सोसाइटी अगर सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हुई है वो नहीं आएगी इसमें बीच में। और नंबर टू, जिसको गवर्नमेंट एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग, कोई भी और चीज जो कि कंपनी नहीं है, जिसको मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि खबरदार इसको किसी ने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो फिर हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। कोई परेशान बॉडी कॉर्पोरेट का और क्या पर्पस होता है जिससे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? देखिए असल में बहुत सारे लॉज में हमें बताना पड़ता है कि पाकिस्तान में मौजूद सारी कंपनी ऐसा करेंगी या कुछ और, या इन्होंने ये कहना होता है कि जी अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से, अब अगर ये बोलेंगे ना दूसरी कंपनी जो किसी और कानून में रजिस्टर हो, इतना नंबर नहीं बोलेंगे, कहेंगे अगर एक कंपनी ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट से चीज खरीदी तो बॉडी कॉर्पोरेट के वर्ड में वो भी शामिल हो जाएंगे। तो टेक्निकली बॉडी कॉर्पोरेट का जिक्र पूरे लॉ में गिनती की दो तीन जगह पर होगा, पूरे पूरे कंपनी में दो तीन जगह पर होगा, तो इस लेवल पे ये नहीं बनता पढ़ना। लेकिन बस उन्होंने बता दिया तो मैंने भी बता दिया। अब आपने क्या करना है? फॉरेन कंपनी जो फॉरेन से बन जाए, फॉरेन कंपनी एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनसाइड वो आउटसाइड पाकिस्तान व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लायजोन ऑफिसेस पाकिस्तान वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। पाकिस्तान से बाहर ऐसी मौजूद कंपनी जो पाकिस्तान में छेड़छाड़ करती है, जिसका पाकिस्तान में कोई ब्रांच ऑफिस हो, पाकिस्तान में उनका कोई लायजोन ऑफिस हो जो पाकिस्तान में चीज़ों को डील कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिकली या किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उस तरीके से जो बता दिया जाएगा, तो आसान अल्फाज में विदेशी कंपनी फॉर्म जो पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुई है वो फॉर्म कंपनी। तो बाहर की वो कंपनी जो हमारे पाकिस्तान में डील कर रही होगी पाकिस्तान में, हम उस बाहर की कंपनी को क्या कहेंगे? बाहर की कंपनी। तो खाम खा की एक चीज को तोड़ मरोड़ के उन्होंने बताया कि कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हुई है, जिसका पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, खुद से है, ब्रांच है, एजेंट के थ्रू वो कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर मैं यहाँ बैठ के अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाऊँ तो अमेजोन पाकिस्तान की कंपनी लॉ की नजर में क्या है? अगर बाहर की कंपनी है और उसका बिजनेस भी बाहर है और उसने हमसे डील ही नहीं किया तो पता नहीं वो क्या चीज है, क्योंकि हमसे डील करे तो हमें पता लगे ना। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं उस सेटअप की जो रजिस्टर है बाहर के मुल्क में और थोड़ा थोड़ा सा पाकिस्तान में काम कर रहा है। इस पे मेनली बाहर का लॉ इम्प्लीमेंट होगा। कंपनीज एक्ट के तकरीबन कुछ 17 सेक्शन है, उनका नाम है कंपनी एस्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान। जो बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में जब ब्रांच ऑफिस बनाती है ना तो उनकी ब्रांचेस के ऊपर हम कंपनी लॉ अप्लाई करते हैं, उन ब्रांचेस को अपना नाम हमारे बताए हुए तरीके से बताना पड़ता है, उन ब्रांचेस को अपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे करने पड़ते हैं जैसे कंपनी लॉ में बताता है। लेकिन इस वक्त हमारा ये स्कोप नहीं है, हमारा स्कोप सिर्फ ये है कि किताब हमें बिला वजह बताना चाहती है कि एक फॉरेन कंपनी भी होती है। तो उन्होंने बताया, हमने सुन लिया, समझ लिया और ये जहन में रख लिया कि रटा मारने से। तो मेरे ख्याल में हमने 200 पे पढ़ लिए होंगे, इतना काफ़ी है, मतलब इतना ज़ालिम तो नहीं। ठीक है जी, तो ये 200 पे आप लोगों ने अच्छी तरह से देख के आने, कल इंशाल्लाह ताला इसके बाद होगी इससे आगे ताकि हमारे पास टेस्ट के लिए रीजनेबल मवाद इकट्ठा हो जाए। बाहर की
वो शख्स या कोई ऐसा बंदा जो बाल बाल रख से पा पाए ओए क्या क्या Well,